हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल भारत एजुकेशन। और आज से हम लोग ज्योग्राफी की क्लास 8 की एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, इसमें मैंने एक चेंज किया है। और वो चेंज क्या है, अभी तक मैं जितने भी लेक्चर्स लेता था एनसीईआरटी के, वो लेता था केवल हिंदी भाषा में। लेकिन आज से जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उस लेक्चर की जो पीडीएफ की जो लैंग्वेज रहने वाली है, वो पूरी लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश में। इंग्लिश में ही आपके जितने भी लेक्चर्स लिए जाएंगे आगे से, क्लास जो 6 से लेकर हम लोग 12 तक की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, उसमें अभी हम लोग जो कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है और भी जो मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, उन सभी की जो लैंग्वेज रहेगी वो अब रहेगी किस में, इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाली है। तो ये हमारा पैटर्न रहने वाला है। और डेली मैं क्या करूँगा, जितने भी मैं लेक्चर्स लूँगा एनसीईआरटी के, तो आपके साथ क्या करूँगा, जो प्रीवियस ईयर के जो मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको भी आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। तो आज का जो क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द ह्यूमन मिसरीज एक्सप्लेन। यानी अगर हम क्या कर लेते हैं, इफेक्टिव मैनेजमेंट कर लेते हैं किसका, लैंड वाटर जो रिसोर्स है, जो हमारे भौम जल हो गया, जो ज़मीन के अंदर वाटर है, इसका हम बहुत ही उचित तरीके से इफेक्टिव मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, ड्रास्टिकली रेड्यूज होगी जो ह्यूमन मिसरीज हो गई, यानी जो हमारी जो आबादी हो गई, जनसंख्या हो गई, उनमें क्या है, भौम जल की समस्या देखने को मिलती है, भारी कमी देखने को मिलती है। तो कुछ हद तक क्या है, ये जो है रेड्यूज हो जाएगा अगर हम इफेक्टिव तरीके से लैंड वाटर को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है यूपीएससी के मेंस 2016 में ये क्वेश्चन आया है। तो आज का जो हमारा चैप्टर, आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं जो रिसोर्स हो गए, संसाधन हो गए, उसको आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में हम लोग, रिसोर्स बेसिकली अगर हम देखें तो ब्रीफली आप जान लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, डिटेल से जानेंगे। तो रिसोर्स को अगर हम देखें तो मेनली तीन तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जो संसाधन हो गए उसमें एक कौन सा होता है, एक होता है प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं जिसे हम, दूसरा होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स यानी ऐसे संसाधन जैसे क्या है, मानव ने बनाया है, और एक होता है ह्यूमन रिसोर्स यानी जो मानव हो गए वो खुद क्या बन जाए, रिसोर्स यानी संसाधन बन जाए। तो ये जो ब्रीफली अब अगर आपसे कोई पूछे तो कितने टाइप के रिसोर्स होते हैं, तो एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं मानव के द्वारा बनाए गए, और एक होता है खुद मानव ही रिसोर्स होता है। तो ये बेसिकली तीन ब्रॉड लेवल पर अगर हम देखते हैं तो रिसोर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग इन सभी को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अब जो नेचुरल रिसोर्स हो गए, इसमें अभी अगर हम देखें उनके ओरिजिन के हिसाब से, तो इनको हम बांट सकते हैं बायोटेक में, एमबीबायोटेक में, और अगर हम इनकी डेवलपमेंट के बेस पर देखें तो एक्चुअल होते हैं और क्या होते हैं, पोटेंशियल हमें देखने को मिलते हैं, और स्टॉक के बेस पर अगर हम देखें, यानी ऐसे जो क्या है, जिनका स्टॉक या तो ख़त्म हो जाता है या कभी नहीं ख़त्म होता है, तो ऐसे अगर हम देखें तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस होगा ये क्या है, कभी ख़त्म नहीं होते, यानी इनका स्टॉक क्या है, अनलिमिटेड है, और जो क्या हो जाते हैं, थोड़े समय के बाद ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सभी क्या है, थोड़े टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे धरती से। तो ये क्या है, लिमिटेड स्टॉक है इनका, तो ये होते हैं क्या, नॉन रिन्यूएबल। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर देखें तो एक होते हैं लोकलाइज और एक होते हैं अनविक्यूशन देखने को मिलती हैं। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गए, ब्रिज हो गए, सड़कें हो गई, ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्स होते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स जैसे नेशन हो गए, उसमें रहने वाली जो आबादी हो गई, सोसाइटी हो गई, ये सभी ह्यूमन रिसोर्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन सभी डेफिनेशन को ब्रीफली हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी को थॉरली तरीके से, हम लोग इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आखिर रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि रिसोर्स बेसिकली होते क्या हैं, तो रिसोर्स को अगर हम देखें तो रिसोर्स होते हैं जो हमारी नीड्स हो गई, जो हमारी नीड्स के लिए क्या है, पूरा करे, फिलफिल करे, जो हम संसाधन यूज करते हैं, तो यूज टू सेटिस्फाई अ नीड और अ वैल्यू कैन बी कॉल्ड, यानी इनकी वैल्यू भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इनको हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। जैसे वाटर हो गया, पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिक्शा हो गए, सब्जियां हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, तो ये सभी क्या है, हमारे नीड्स को पूरा करती हैं, यानी ये क्या है,
एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो संसाधन ही है जिनका हम यूज करते हैं, और जिस संसाधन अगर हम देखें तो इनकी हमें क्या है इकोनॉमिक वैल्यू भी देखने को मिलती है, यानी इनके क्या है कुछ वैल्यू भी होती है। जैसे क्या होती है, कुछ पैसे आप इनको क्या देख सकते हैं कि मान के चलिए आप एक पेंसिल खरीद रहे हैं तो ये क्या है संसाधन है, आपकी लिखने का संसाधन है, तो इसकी कुछ वैल्यू है, तो संसाधन की वैल्यू भी हो सकती है। और अगर हम देखें इसकी वैल्यू क्या है, टाइम अगर मान के चलिए अभी मान के चलिए आपके पास कोई पत्थर रखा है तो अभी उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन 10 साल बाद अगर आप देखेंगे तो उस पत्थर की डिमांड हो जाएगी, यानी आपके पास जो रिसोर्स है उसकी क्या हो गई और टाइम के साथ क्या होगी इसकी प्राइस यानी वैल्यू आ गई। पहले क्या था उसकी वैल्यू ही नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे क्या है उसकी वैल्यू आप कन्वर्ट हो गया, और ये किससे हुआ, टाइम के साथ वैल्यूएबल बन जाती हैं वो चीज़ें। तो ये हमें देखने को मिलते हैं कुछ संसाधन होते हैं जो इनके जो बेसिक जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, यानी बेसिक अगर आप कहें तो ये फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। और क्या हमें देखने को मिलता है संसाधनों में, संसाधन अगर हम देखें तो ये एक तरीके से अगर आप देखें तो टाइम और टेक्नोलॉजी का ऐसा मिक्सचर होता है इसमें कि ये जो सब्सटेंस हो गई, जो चीज़ें हो गई, संसाधन हो गई, ये क्या है वैल्यूएबल बन जाती हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान के चलिए आपकी ग्रांड मदर है एक बहुत अच्छी डिश बनाती हैं, हम लोग यहाँ आम के अचार का सवाल ले लेते हैं, मान के चलिए आपकी मॉम बहुत अच्छा अचार बनाती हैं, पूरे देश में फेमस है, पूरी दुनिया भर में फेमस है, और ये अचार आपकी मॉम अभी फ्री में बना रही, अब आपकी मैम आपकी जो मदर हैं या फिर दादी हैं मान के चलिए उसका क्या है पेटेंट करवा लेती हैं, तो पेटेंट अगर वो करवा लेंगी तो क्या होगा, फिर पेटेंट करवाने से ये होगा कि अब मान के चलिए किसी को अगर वो प्रोडक्ट बनाना है तो आप उनको क्या है पैसे दे पे करने पड़ेंगे, जिनके पास पेमेंट होगा उनके पास रेवेन्यू आएगा। अब तो क्या हो गया टाइम के साथ क्या है अगर हम और टेक्नोलॉजी हो गई इन दोनों के साथ जो मिक्सर बन जाए तो उससे भी क्या है अगर कोई चीज़ क्या है इकोनॉमिक वैल्यू में भी वो कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मैंने बहुत ही सिंपल उदाहरण बताया कि किस तरीके से जो है कोई भी चीज़ टाइम के साथ टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वैल्यूएबल बन जाती है। तो ये मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल आपके साथ शेयर किए। अब क्या अब अगर हम देखें जो संसाधन हमने देखें तो ये कितने टाइप के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में ही मैंने बता दिया कि एक तो होते हैं नेचुरल, एक होते हैं जो मानव के द्वारा बनाए गए, और एक होते हैं मानव खुद यानी ह्यूमन रिसोर्स। यानी एक तो क्या नेचुरल, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे पानी हो गया, वाटर हो गया, हवा हो गई, जमीन हो गई, लैंड हो गई, या फिर जो लिविंग थिंग्स हो गए जो रहती हैं हमारे पर्यावरण में, तो ये सब चीज़ें नेचुरल रिसोर्स के अंदर आती हैं। और ह्यूमन मेड में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसा कि मैंने बताया कि बिल्डिंग्स हो गए, पार्क हो गए, ब्रिज जो हम बनाते हैं या रोड बनाते हैं, जो मंदिर हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, जो फैक्ट्रियाँ हम लोग बनाते हैं, तो ये सब क्या है मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन हैं, रिसोर्स हैं। और ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें, जैसे आप व्यक्ति हो गए, इसको आप स्किल कर देंगे, इसके पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ये स्किल्ड हो जाएगा तो क्या करेगा आगे चल के, ये क्या करेगा और ज़्यादा रिसोर्स क्रिएट करेगा, तो ये क्या हो गया ह्यूमन रिसोर्स हो गए। फैमिली भी हो सकती है इसमें, कम्युनिटी, रिलीजियस, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन हो गए, इकोनॉमिक्स हो गई, जो पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई, ये सब क्या है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आती हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। ये आप समझ चुके हैं कि टोटल कितने टाइप के होते हैं ह्यूमन रिसोर्स, 3 टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। अब हम जानते हैं कि इनको बेस अब हम डिटेल से जान लेते हैं कि आखिर जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं ये क्या होता है। तो नेचुरल रिसोर्स का मतलब अगर आप देखें एक वर्ड में आपसे अगर पूछे कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल रिसोर्स बेसिकली अगर हम देखें तो जो प्रकृति के द्वारा हमें दिए गए हैं उन्हें हम क्या है नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे हमारी प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है, हमें सांस लेने के लिए हवा दी है, पानी दी है पीने के लिए, जो लेक हो गए, झीलें हो गई, मिट्टी हो गई, और हमें क्या खनिज हो गए जो ज़मीन में हम देखने को मिलते हैं, तो और भी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं जो मानव ने नहीं बनाई हैं, तो वो क्या हो गई सब नेचुरल रिसोर्स हो गई। और ये सब चीज़ें क्या है बिना मॉडिफिकेशन की हमारे नेचर में दी हुई हैं। जिसको भी अगर हम कैटेगराइज करें, यानी आप पूछेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्स क्या ऐसे हैं कि जो कभी ख़त्म नहीं होते, नहीं, जो हमारे प्रकृति के द्वारा दिए गए नेचुरल रिसोर्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं कभी ना ख़त्म होने वाले, और एक होते हैं क्या टाइम के साथ क्या हो जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं। तो जो ख़त्म होते हैं यानी टाइम के साथ उन्हें कहते हैं क्या नॉन रिन्यूएबल,
यानी ऐसे जो रिसोर्स संसाधन जो क्या हो जाते हैं, जिनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हम लोग, खत्म हो जाते हैं दोबारा से, हम क्या है इन्हें बना नहीं सकते। हालांकि ये बन जाते हैं लेकिन बहुत ही लंबा टाइम लगता है, कई हज़ारों साल निकल जाते हैं इस प्रोसेस में। तो ये नहीं कहते हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऊष्मा हो गई, या सूर्य से जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है, तो ये सभी क्या है रिन्यूएबल रिसोर्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी जो कभी ख़त्म नहीं होते। इनकी स्टॉक अगर हम देखें तो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं इनका स्टॉक क्या है, लिमिटेड है, यानी एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमें देखने को मिलते हैं नॉन रिन्यूएबल में। तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे कि नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हालांकि ये सब वही हैं जो सब मैंने बताया कि ये सब नेचुरल रिसोर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पानी हो गया, हवा हो गई, ये धरती हो गई, ये सब क्या है नेचुरल रिसोर्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम देखें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है जल्दी, हालांकि ये जल्दी रिन्यू हो जाती है, यानी जल्दी यानी क्या है हमें वापस मिल जाती है, जैसे सोलर हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं। और ये क्या है अनलिमिटेड है, ये अगर हम देखें तो जल्दी ख़त्म नहीं होते। और नॉन रिन्यूएबल ये इनका स्टॉक लिमिटेड है, अगर हम देखें तो बहुत लंबा समय लगता है, हज़ारों साल लग जाते हैं इनको वापस आने में। जैसे जो फिजिकल फैक्टर, जैसे टेरेन, क्लाइमेट, जो एल्टीट्यूड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो पेट्रोलियम हो गए, गैसें हो गई, कोयला वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें क्या है नॉन रिलेबल, एक बार ख़त्म हो जाएंगी तो फिर इन्हें बनने में बहुत लंबा समय लगेगा, इतने में तो दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। तो यानी अगर हम देखें तो नॉन रिलेबल ऐसे हैं जिन्हें हम आसानी से जल्दी रिकवर नहीं कर सकते, जैसे ऑयल हो गया, कोयल हो गया, न्यूक्लियर हो गई, है ना, और जो नेचुरल गैसेस हो गई, ये सब हमें देखने को मिलती हैं क्या नॉन रिलेबल में। हवा हो गई, हाइड्रो पावर हो गई, सोलर हो गई, और जियो थर्मल एनर्जी का यूज करते हैं जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, तो ये हो गई, बायोमास हो गए, तो ये सब हमें देखने को मिलते हैं क्या रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर आते हैं। तो इसको भी आप समझ चुके हैं। अब अगर हम देखें मानव के द्वारा बनाए गए जो संसाधन हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, जो पुल बनाते हैं हम लोग वो देखने को मिलेंगे, रोड हो गई, सड़कें हो गई, गाड़ियाँ हो गई, तो ये सब क्या है हमें देखने को मिलते हैं मानव के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं, और ये सब क्या है संसाधन है, और इनका हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं, तो ये हमें मैन मेड संसाधन देखने को मिलते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स अगर हम देखें तो किसी व्यक्ति को मान के चलिए ह्यूमन रिसोर्स बनाना है और वो आगे जाके क्या है मोर रिसोर्स क्रिएट करे, डेवलप करे, तो इसे हम क्या कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। अब किसी को ह्यूमन रिसोर्स बनाना है तो वो कैसे होगा, उसको स्किल्ड करना होगा, रिक्रूटमेंट, बेनिफिट्स, ट्रेनिंग देनी होगी, उसे पढ़ाना होगा, लिखाना होगा, तब आगे जाके क्या कर होगा वो क्या कर पाएगा, कोई समाज हो गया, कम्युनिटी हो गई, आगे जा के क्या है ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगी, यानी मानव क्या है संसाधन में कन्वर्ट हो पाएगा। जब उसके पास क्या है कुछ ना कुछ स्किल्स रहेंगी, कैपेबिलिटी रहेंगी, तो वो क्या हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन मानव इतना ख़तरनाक है कि अब ये जो रिसोर्सेस हैं इतनी ड्रास्टिकली ख़त्म कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में एनर्जी की नीड को फुलफिल नहीं कर पाएगी जो हमारी प्रकृति है वो, तो कंजर्व करने की ज़रूरत है। अगर हम देखें जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं ये क्या है बहुत इनको हमें यूज करना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं ये डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये ख़त्म ही हो जाएंगे और हमें पूरी तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्सेस पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो अब हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है जो हमारे रिसोर्सेस हैं इनको, और हमें शिफ्ट करना चाहिए अपने आप को कहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्सेस में। फ्यूचर में अगर हम देखें तो अगर हमारा फ्यूचर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास अगर हमें आगे करना है तो हमें क्या करना होगा अभी से मेंटेन करना होगा जो हमारे संसाधन हैं इनको बहुत ही केयरफुल तरीके से सावधानी तरीके से यूज करना होगा ताकि आगे आने वाले समय में क्या हो जो हमारे संसाधन हैं जो लिमिटेड हैं अगर हम देखें जो नॉन रिलेबल संसाधन है ये आगे आके ख़त्म हो जाएंगे। तो इन्हें हमें बचाने की ज़रूरत है बहुत ही सावधानी तरीके से, केयरफुल तरीके से हमें इनके सतत विकास हो सके ताकि यूज करना है। और क्या करना है हमें रिड्यूस करना है कंजप्शन, क्या है जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है इनका हमें कंजप्शन रिड्यूस करना है, रिसाइकलिंग पर जोर देना है, रीयूजिंग थिंग्स पर ध्यान देना है ताकि हमारे जो रिसोर्सेस जल्दी से ख़त्म ना हो पाए और हम सस्टेनेबल तरीके से सतत विकास करते हुए आगे बढ़ पाए।
अगर हम देखें हमारे जो फ्यूचर का, अगर हम प्लेनेट की बात करें, तो अगर हमें आगे चल के अपने रिसोर्सेज को बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिन्यूएबल रिसोर्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो हमारी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है अर्थ में, अगर हम देखें इसको कंजर्व करना पड़ेगा। जो हमारे अगर हम देखें तो हम इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं कि सारा जो अर्थ है ये तहस नहस होने लगा है, इसे बचाना होगा। डैमेज कर हो रहा है जो नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम, इसको भी मिनिमाइज यानी इसको भी रोकना पड़ेगा। तभी हम क्या है अपने जो नेचुरल रिसोर्सेस होगा उनका यूज करते हुए इफेक्टिव तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम क्या है इसी तरीके से बेतहाशा यूज करेंगे नेचुरल रिसोर्सेस का, प्रकृति का नुकसान करेंगे, तो आगे आने वाला समय हमारे लिए बर्बादी का समय होगा। और अभी हमें देखने को भी मिल रहा है जो क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, ये अगर हम देखें तो इसी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, उसको नुकसान पहुंचाया है, डेवलपमेंट के नाम पर हमने एक्सप्लॉइट किया है एनवायरनमेंट को, तो ये उसी के कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ही क्या है आगे बढ़ना होगा, प्रिजर्व करना होगा, हमें अपनी धरती को बचाना होगा, एनवायरनमेंट को बचाना होगा, तभी हम सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप आज के इस लेक्चर में हमने जो संसाधन हो गए कितने टाइप के होते हैं इन सभी को हमने जाना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।